हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं सबके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस सीरीज के शुरू होते होते हम सभी को ये सवाल जरूर डिस्टर्ब कर रहा था कि आखिर बैटमैन कहाँ पर गया, और इस वीडियो में हमें उसी सवाल का जवाब मिलेगा, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस जवाब से हम लोग थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फाई हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस सेक्टर 666 यानी कि प्लैनेट रियूट पर, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ ओवा थे, जिनके पास अथॉरिटी थी फिगर करने की इंटरगैलेक्टिक ऑर्डर्स, लेकिन वो अपने हिसाब से उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर गैंथेट और बाकी सभी लैंटर्स के लीडर्स वहाँ पर ब्लैक लैंटर्स को ढूंढने आए थे। यहाँ पर सबसे पहले सिनिस्टर पूछता है कि ब्लैक लैंटर्स तो यहाँ पर नहीं है, और अगर होते भी तो भी किसे परवाह थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 लैंटर्न कॉर्प्स के सभी लीडर्स वहाँ पर थे। यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि वहाँ पर सभी फ्रेंड्स, एनिमीज, एक्स गर्लफ्रेंड्स सभी एक साथ मिलकर ब्लैक लैंटर्न कॉर्प से लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ पर उन्हें एक बड़ा ब्लैक होल दिखता है उस ब्लैक लैंटर्न बैटरी की जगह पर, और वहाँ पर वो लोग इसी नतीजे पर पहुँचते हैं अगर उन्हें लड़ाई की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपनी लैंटर्न रिंग्स अपने लैंटर्न के जरिए चार्ज करनी होगी। और सभी लोग अपनी अपनी लैंटर्न रिंग्स अपने अपनी लैंटर्न के सामने रख के चार्ज करते हैं, जैसे कि सेंट वॉकर, सिनिस्ट्रो, हेल जॉर्डन, एट्रोसिटस, स्टार सफायर और इंडिगो। लेकिन एजेंट ऑरेंज इन सबसे अलग खड़ा था, और साथ ही साथ वो अपनी लैंटर्न रिंग चार्ज भी नहीं कर रहा था। इसे देखते ही सिनिस्टर उससे पूछता है कि तुम आखिर किसके लिए रुके हो लार्फ्लिज, जिस पर लार्फ्लिज उसे बताता है कि वो अभी हंग्री है। और ये सुनते ही एट्रोसिटस यानी कि रेड लैंटर्न वॉरियर कहता है तो मुझे पहले उसे मारने दो, फिर उसकी रिंग लेकर हम ये काम खत्म करेंगे, और उससे सहमति दिखाता है सिनिस्टर। लेकिन इंडिगो बताती है कि ये इसका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि लार्फ्लिज की हंगर उसके कलर अफेक्शन की वजह से है, क्योंकि ऑरेंज यानी कि लालच का कलर है। तभी वहाँ पर सेंट वॉकर जो कि ब्लू लैंटर्न कॉर्प का लीडर था, वो वहाँ जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लू लैंटर्न कॉर्प पर अटैक करने के लिए माफ़ कर दिया है, और मेरी ब्लू लाइट की वजह से तुम्हारी हंगर भी शांत हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, लेकिन लार्फ्लिज कहता है कि मुझे अब डेजर्ट चाहिए। तब हेल जॉर्डन दो हाथ क्रिएट करता है और उसका मुंह उसके लैंटर्न रिंग में डालते हुए वो कहता है, ये लो तुम्हारा डेजर्ट। और इसी के साथ उसकी पावर लेवल 100% बढ़ जाती है। और तभी ग्रीन लैंटर्न गैंथेट से कहता है तो रेनबो रोडिस तैयार है और लोडेड भी, तो बताइए कि ब्लैक लैंटर्न कहाँ पर है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्थ पर को सिटी में, जहाँ पर बेरियलन डेट से बचकर भाग रहा था ब्लैक हैंड और नेक्रॉन की तरफ, जहाँ पर वो पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया और इन लोगों के साथ क्या किया। लेकिन नेक्रॉन उसे बताता है कि तुम्हारी डेथ फर्स्ट थी और तुम्हारे रीबर्थ लास्ट है, ऐसा नेक्रॉन का कहना है। और वो आगे उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि ब्लैक हैंड उसे बीच में ही रोक लेता है, और वो बताता है तुम जैसे लोग डार्कनेस के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तुम यहाँ पर हो क्योंकि वो हम चाहते हैं। वो आगे बताता है तुम भी हमारे जैसे हो, तुम भी डेड हो। लेकिन वो स्कल देख लेता है जो कि ब्लैक हैंड के हाथ में रखी थी, और वो पहचान जाता है कि वो स्कल ब्रूस वेन की थी, जो कि उसने ब्लैकेस्ट नाइट की शुरुआत में ही उसकी कब्र से खोद निकाली थी। लेकिन तभी बैरिक गलती से पावरिंग के रिमेनिंग पार्ट को छू लेता है, जिस वजह से इमोशनल थेटर एरर मैसेज शो करता है, और इसी के साथ ब्लैक हैंड फ्लैश को अपने से दूर कर देता है। लेकिन तभी उसे बचाने वहाँ पर वैली वेस्ट आ जाता है, और वो दोनों ही वहाँ से भागते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर बैरी से वो पूछता है कि आखिर ये माजरा क्या है। जिस पर वो बताता है कि जिसने अभी अभी वो बैटरी ऑन की है उसका नाम है नेक्रॉन। ये सुनते ही वैली कहता है काइल ने ये नाम मेंशन किया था पहले भी, ये एक एलियन एंटिटी है जो कि डेड को फिर से एनिमेट करती है, लेकिन लगता है कि वो अपग्रेड हो चुकी है। और वो आगे बताता है कि बैट गाइस तब से चेंज हो रहे हैं जब से मैं किड के लिए फ्लैश और बैटमैन के लिए नाइटविंग हूँ। जिस पर बेरी कहता है कि तुम मेरे लिए फ्लैश ही हो और फ्लैश ही रहोगे वैली, समझ गए। और अब मुझसे ये मत कहना कि 7 मिलियन लोग जो कि ग्रेव से बाहर है उन्हें बचाने के लिए तुम अकेले आए हो। जिस पर बेरी से वैली कहता है तुम मजाक कर रहे हो, हमारे पास फ्लैश कॉप नहीं है, समझ गए, लेकिन हमारे पास कुछ दोस्त जरूर है। और तब हम देखते हैं जस्टिस लीग और टीन टाइटंस के बचे हुए मेंबर्स को। दूसरी तरफ मैनहट्टन में डैमेज से एटम लड़ रहा था जो कि अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका था, लेकिन तभी उसका साथ देने वहाँ पर जीन आ जाती है, और वो कहती है तुम उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो एटम, तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा। और तभी वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी, तभी मेरा अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसका सर पानी में डुबा देती है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक लैंटर्न थी इस वजह से वो नहीं मरती, और वो दोनों को लेकर डैमेज के ब्लैक रिंग में समा जाती है। और वो साथ ही साथ कहती है
तो चलो समुद्र में गोते लगाकर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जस्टिस लीग और टीन टाइटन दोनों ही ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे, और यहाँ पर किड फ्लैश मिलने जाता है वैली और बैरी से, जहाँ पर वो पहले तो वैली को ग्रैंडपा कहकर पुकारता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि मेरे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। सबसे पहले वो गुड न्यूज ये सुनाता है कि पता नहीं कैसे और क्यों, लेकिन डव जो कि अब एक गर्ल है उसका हार्ट ब्लैक लैंटर्स नहीं ले पाए, और वो उसी वक्त एक रोमन कैंडल की तरह जल उठी और उसी के साथ सारे ब्लैक लैंटर्स जल गए और वो वापस नहीं आए। जिस पर बेरी कहता है तो डव को सेंटर और फ्रंट में रखो और सभी ब्लैक लैंटर्स को मारना शुरू करो। जिस पर बेरी से किड फ्लैश कहता है टाइटन्स अभी वही कर रहे हैं, और वो आगे बताता है। और इसी के साथ दूसरी बैड न्यूज ये है कि डोना ट्रॉय अब ब्लैक लैंटर्न के जरिए काटी गई है और वो धीरे धीरे सिक हो रही है। इस पर वैली कहता है कि तुम्हें उसे डॉक्टर मिडनाइट या फिर स्टार लैब ले जाना चाहिए। इस पर किड फ्लैश बताता है हमने ट्राई किया, लेकिन उसका कहना यह है कि अगर वो मरना ही चाहती है तो वो लड़ते हुए मरे, ना कि किसी अस्पताल में। और बेरी उन दोनों को बताता है हमें भागकर नेक्रॉन को नहीं बल्कि उन एलियंस को पकड़ना है जो कि अभी हवा में लटक रहे हैं, जो कि है गार्डियंस ऑफ ओवा, और वो तीनों ही उन सभी को वहां पर पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सेवन लैंटर्न कॉर्प्स के सेवन लीडर्स आ जाते हैं और वो वहाँ पर खड़ी एक गार्डियन पर हमला कर देते हैं, जिससे खुश होकर सिनिस्टो कहता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन वो गार्डियन मरती नहीं और वो उन्हीं के सामने आकर कहती है कि तुम अभी मेरे लॉर्ड नेक्रॉन को फीड करोगे। इस पर उसे पकड़ते हुए ब्लू लैंटर्न कहता है तुम्हारे जैसे लड़ाकों को लॉर्ड टाइटल सूट नहीं करता और ना ही तुम गार्डियन हो। लेकिन उसे पकड़ते हुए एजेंट ऑरेंज कहता है कि ये सभी से डिफरेंट है और इसीलिए ये मुझे चाहिए, लेकिन वो उसी पर हमला कर देती है। और तभी उसे मारते हुए हेल रॉटन कहता है कि लार प्लीज ये कुछ ज्यादा ही ओवरकुक हो चुकी है, इसीलिए हमें इसे किचन में ही वापस रखना चाहिए। और इसी के साथ वो उस ब्लैक लैंटर्न को मार देते हैं। आगे बेरी हेल रॉटन से पूछता है कि तुम लेट हो और आखिर नेक्रॉन है क्या चीज और इसके बारे में तुम्हें क्या पता चला। इस पर पहले तो ग्रीन लैंटर्न ये बताता है कि ये मेरी लाइन है और हम इससे लड़ रहे हैं, उसकी पावर ये है कि वो सबको पपेट की तरह ट्रीट करता है और इसी के लिए मैं कुछ कलर कोडेड गाइस को लाया हूँ उसे मारने के लिए। और वो सेवन लैंटर्न लीडर्स उस ब्लैक लैंटर्न बैटरी की तरफ बढ़ रहे थे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहाँ पर इंडिगो लैंटर्न कहती है कि हमें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए व्हाइट लाइट वहाँ पर जनरेट करनी होगी जो कि लाइफ का सिग्नल है और जो कि ब्लैक लाइट की काट है। ऐसा करने के लिए वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी नेक्रॉन एक रिंग रिलीज करता है और तभी वो रिंग सबके पास से गुजरते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। इसे देखते ही किड फ्लैश कहता है ये तो बहुत फास्ट है। उसी वक्त डोना ट्रॉय पूरी ब्लैक लैंटर्न बनने लगी थी और वो साथ ही साथ सब लोगों के इमोशंस देख रही थी। और यहाँ पर ब्लैक हैंड ब्रूस वेन की स्कल ऊपर उठाते हुए कहता है ये है एक ग्रीन लैंटर्न और अब वक्त है नेक्रॉन को स्ट्रांग बनाने का। और तभी डोना ब्लैक लैंटर्न बन जाती है और ब्रूस वेन जो कि अर्थ से था वो फिर से राइज हो जाता है और बैटमैन बन जाता है एक ब्लैक लैंटर्न। इसे देखते ही सब लोग जो लड़ रहे थे भले ही वो जस्टिस लीग से हो या टीन टाइटन से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और उसके रुकते ही नेक्रॉन कहता है तुमने से कुछ लोग मरकर वापस आ चुके हैं, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम वापस क्यों आए और तुम उससे छूटे क्यों। तुम हमेशा से मुझसे कनेक्टेड थे यानी कि डेथ से, और मैं ही था जो तुम्हारी मौत और तुम में दोनों में अभी तक खड़ा था, और मैंने ही तुम्हें न्यूमरस रिजरेक्शंस प्रोवाइड किए और तुमने मेरी मदद की गार्डियंस के ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स को एक्सपोज करके, और अब तुम ही पूरे यूनिवर्स को डार्क ऑर्डर में मिलाने में मेरी मदद करोगे। और तभी बैटमैन के मुंह से बहुत सारे रिंग्स निकलती है क्योंकि अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाकर लगती है, जिसमें से डेस्टिनेशन थे टाइना प्रिंस, कालेल, कॉनर केंट, बार्ट एलन, ओलिवर क्वीन जो कि अब राइज नहीं बल्कि डाई होने वाले थे। और ये देखते ही ग्रीन लैंटर्न सबसे पहले ब्रूस वेन को पकड़ता है और बैरी एलन यहाँ पर सब लोगों के हाल देख रहा था कि वो कैसे धीरे धीरे मर रहे थे। यहाँ पर नेक्रॉन ब्रूस को देखते हुए कहता है ब्रूस वेन तुमने अपना पर्पस पूरा कर लिया, अब तुम फिर से रेस में रहोगे। और इसी के साथ ब्रूस वेन की स्कल के सिवा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपने ब्लैक लैंटर्न कॉर्प को अपने साथ मिलाकर नेक्रॉन कहता है तो चलो लाइट हमारा इंतजार कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि दो ब्लैक लैंटर्न रिंग जिसमें से एक हेल जॉर्डन की तरफ और एक बैरी एलन की तरफ बढ़ रही थी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।